तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2018 का नोटिफिकेशन जैसे ही जारी होता है अपने चैनल पर आपको बता देंगे। सो वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि इसके संबंधित आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाए रखिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो इस सवाल का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से दे दें। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारी आज की कमाल की एजुकेशनल जॉब संबंधित वीडियोस। तो दोस्तों, महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2018 इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 6 फरवरी 2018 से और आवेदन करने की लास्ट डेट है 28 फरवरी 2018 जी हां दोस्तों। और बैंक में फीस जमा करने की लास्ट डेट है 3 मार्च 2018 और इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होनी चाहिए 28 फरवरी 2018 को, और आयु में छूट नियमानुसार दी जाएगी जी हां दोस्तों। और इसके लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हो। और दोस्तों, जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई, अगर आप 12th पास हो तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जिला वाइज कितने कितने पद निकले हैं तो हम आपको वीडियो के लास्ट में बताने वाले जी हां दोस्तों। और जो फिजिकल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो हाइट होनी चाहिए फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर और जो मेल कैंडिडेट है उनकी हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, यानी उससे अधिक 165 सेंटीमीटर से अधिक आपकी हाइट होनी चाहिए। और जो चेस्ट मांगी जा रही है, बिना फुला के 79 सेंटीमीटर और फुला के 5 सेंटीमीटर अधिक, यानी 84 सेंटीमीटर। और दोस्तों, बता दूं कि जो आपकी फीस होगी वो होगी 375 जनरल कैटेगरी के लिए, और जो इतर मागास वर्ग यानी ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए 225 फीस रखी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोस्तों, ये आपका फीस का स्ट्रक्चर है। और दोस्तों, आपको आवेदन करने के लिए पहले आपकी फिजिकल टेस्ट होगी, फिर आपकी रिटर्न एग्जामिनेशन ली जाएगी। फिजिकल टेस्ट में आपको 50% गुण लाना अनिवार्य है जी हां दोस्तों, और तभी आप रिटर्न टेस्ट में भाग ले सकेंगे। और दोस्तों, हम अब आपको जिला वाइज कितनी कितनी जगह निकली है, कितनी कितनी वैकेंसी है तो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। अभी तक जितने भी हमें पद मालूम हुए कि जिले में कितने कितने पद है तो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अमरावती रूरल पुलिस भर्ती 2018 इसमें 93 पद है, औरंगाबाद एसआरपीएफ में 41 पद है, नवी मुंबई पुलिस भर्ती 198 पद है, नवी मुंबई एसआरपीएफ 64, रत्नागिरी पुलिस भर्ती 145, ठाणे पुलिस भर्ती 238, पालघर पुलिस भर्ती 105, नवी मुंबई रेलवे पुलिस भर्ती 289, नांदेड पुलिस भर्ती, जालना एसआरपीएफ 36 पद, अमरावती पुलिस भर्ती 30 पद, पुणे एसआरपीएफ पुलिस भर्ती 83 पद, लातूर पुलिस भर्ती 2018 58 पद, अकोला पुलिस भर्ती 68 पद, यवतमाल पुलिस भर्ती 61 पद, नासिक रूरल पुलिस भर्ती 82 पद, जालना पुलिस भर्ती 50 पद, पुणे एसआरपीएफ 80 पद, गोंदिया एसआरपीएफ 63 पद, धुले एसआरपीएफ 50 पद, अमरावती एसआरपीएफ 46 पद, नागपुर एसआरपीएफ 75 पद, सातारा पुलिस भर्ती 121 पद, बुलढाणा पुलिस भर्ती 48 पद, मुंबई पुलिस भर्ती 1136 पद, पुणे पुलिस भर्ती 213 पद और सिंधुदुर्ग पुलिस भर्ती 53 पद, बीड पुलिस भर्ती 53 पद, रायगढ़ पुलिस भर्ती 83 पद, उस्मानाबाद पुलिस भर्ती 62 पद, सोलापुर ग्रामीण पुलिस भर्ती 2018 36 पद। और दोस्तों, बाकी जिलों की जल्द ही अपडेट किए जाएंगे वैकेंट सीट तो हम आपको बता देंगे। सो चैनल के साथ जुड़े रहेगा और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
दोस्तों के साथ शेयर करेगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसके संबंधित जानकारी हो सके। और दोस्तों आपके मन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा। और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।